वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज पॉल बेयरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज पॉल बेयरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज पॉल बेयरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी। इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज पॉल बेयरनी यानी कि डेडपूल 3, जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटेन टोमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज पॉल बेयरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सेमेल ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने, प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रेब सिमोन्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वाल्ट डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी, जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है, क्योंकि मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों, काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज पॉल बेयरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज पॉल बेयरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज पॉल बेयरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी। इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहां पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज पॉल बेयरनी यानी कि डेडपूल 3, जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटेन टोमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज पॉल बेयरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमन ली ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने, प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रेब सिमोन्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वाल्ट डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी, जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है, क्योंकि मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था।
सो दोस्तों काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिव्यू रिलीज़ हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3, जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटेन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमुएल ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो, रेत रेसो ने, प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेग, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रेब सिमोन्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी, जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है, क्योंकि ये मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिव्यू रिलीज़ हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहां पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3, जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटेन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमुएल ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो, रेत रेसो ने, प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेग, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रेब सिमोन्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी, जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है, क्योंकि ये मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज़ हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन क्रीनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहां पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3, जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटेन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सेमेल्ले ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने, प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैन रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रैब सिमोन्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी, जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है, क्योंकि ये मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन क्रीनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट था, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहां पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3, जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटेन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सेमेल्ले ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने, प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैन रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रैब सिमोन्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी, जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश।
इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है, क्योंकि ये मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लिविस ओगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन क्रीनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3, जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग किस मूवी की तो IMDb पर इसे 3 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमुअल ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने, प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लैग, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रैब सिमोन्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी, जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है, क्योंकि ये मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लिविस ओगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन क्रीनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहां पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3, जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग किस मूवी की तो IMDb पर इसे 3 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमुअल ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने, प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लैग, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रैब सिमोन्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी, जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी एंड मूवी को
रनिंग टाइम था 128 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है, क्योंकि ये मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों, काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन क्रेनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3, जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटेन टोमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमन ली ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने। प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किया थे वाल्ट डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी, जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है, क्योंकि ये मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों, काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन क्रेनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहां पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3, जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटेन टोमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमन ली ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने। प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किया थे वाल्ट डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था।
मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी। एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है क्योंकि ये मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिव्यू रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी। रोटेन टोमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमन ली ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो, रेत रेसो ने, प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी। एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है क्योंकि ये मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिव्यू रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहां पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी। रोटेन टोमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमन ली ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो, रेत रेसो ने, प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को
और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी। एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है क्योंकि मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज़ हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लिविस ओगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन क्रीनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 3 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल थ्री वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सेमेले ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने। प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक। सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैन रिचोडो। एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड। म्यूजिक दिए थे रैब सिमोंस। प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है क्योंकि मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज़ हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लिविस ओगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन क्रीनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहां पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 3 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल थ्री वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सेमेले ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने। प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक। सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैन रिचोडो। एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड। म्यूजिक दिए थे रैब सिमोंस। प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने।
इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है क्योंकि मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लिविस ओगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन क्रीनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटेन टोमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमन ली ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने। प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है क्योंकि मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लिविस ओगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन क्रीनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहां पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटेन टोमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमन ली ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने। प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने
एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किया थे वाल्ट डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी। एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है क्योंकि मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटेन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमन ली ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने। प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक। सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचर्डो। एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड। म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस। प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वाल्ट डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है क्योंकि मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटेन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमन ली ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने। प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक। सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचर्डो। एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड। म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस।
प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्वल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स एंटरटेनमेंट ने, एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को, और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी, एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है, क्योंकि मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों, काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिव्यू रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लिविस ओगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3, जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी, एंड रोटेन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी, एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमुएल ही ने, एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने, प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रैब सिमोन्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स एंटरटेनमेंट ने, एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को, और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी, एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है, क्योंकि मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों, काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिव्यू रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लिविस ओगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहां पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3, जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी, एंड रोटेन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी, एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमुएल ही ने, एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने, प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को
बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स एंटरटेनमेंट ने, एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी, एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है क्योंकि मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन क्रीनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटेन टोमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमन ली ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने, प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैन रिचर्डो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स एंटरटेनमेंट ने, एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है क्योंकि मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन क्रीनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटेन टोमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमन ली ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने, प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक,
सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने, एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी, एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है क्योंकि ये मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटेन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमुअल ली ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने, प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने, एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट था, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटेन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे
सेमेल्ले ही ने एंड रिटेन किए थे रयान रोनाल्डो रेत रेसो ने, प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लैग, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने, एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वाल्ट डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी, एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट, कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रयान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लिविस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सेवन ली। बात की जाए डेडपूल इज वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सेमेल्ले ही ने एंड रिटेन किए थे रयान रोनाल्डो रेत रेसो ने, प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लैग, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने, एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वाल्ट डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रयान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लिविस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सेवन ली।
बात की जाए डेडपूल डिंपल वर्नी की, तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सेमेल्ले ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने, प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज़ हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3, जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल वुल्वेरनी की, तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सेमेल्ले ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने, प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रैब सिमोन्स, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी, जो कि वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज़ हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3, जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी
एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सेवन ली। बात की जाए डेडपूल डिंपल वर्मी की, तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सेवन ली ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने। प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक। सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो। एडिटिंग किए थे मूवी को, बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड। म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस। प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स एंटरटेनमेंट ने। एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वाल्ट डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी। एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है क्योंकि मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा हैंग जैकमैन और ईमेन क्रीनिया मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी। इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहां पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी। एंड रोटेन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी। एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सेवन ली। बात की जाए डेडपूल वुल्वेरनी की, तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सेवन ली ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने। प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक। सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो। एडिटिंग किए थे मूवी को, बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड। म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस। प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स एंटरटेनमेंट ने। एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वाल्ट डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी। एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा हैंग जैकमैन और ईमेन क्रीनिया मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी। इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहां पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पर इसे
टीन में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटेन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल डिम्बल बैरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमन ली ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने। प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक। सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो। एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड। म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस। प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स एंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इस वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज पॉल बैरनी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डेडपूल इज पॉल बैरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज पॉल बैरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिव्यू रिलीज हुई थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा हैंग जैकमैन और ईमेन क्रेनिया मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी। इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज पॉल बैरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb पे इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटेन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल डिम्बल बैरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमन ली ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने। प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक। सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैंड रिचोडो। एडिटिंग किए थे मूवी वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज पॉल बैरनी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डेडपूल इज पॉल बैरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज पॉल बैरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिव्यू रिलीज हुई थी जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा हैंग जैकमैन और ईमेन क्रेनिया मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी। इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के।
डेडपुल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपुल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग किस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैम एंड ली। बात की जाए डेडपुल 3 वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सेमेल्ले ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने। प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक। सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैन रिचोडो। एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड। म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस। प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स एंटरटेनमेंट ने। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपुल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपुल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपुल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिव्यू रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपुल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपुल 2 तक आ गई थी जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपुल इज वुल्वेरनी यानी कि डेडपुल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग किस मूवी की तो IMDb पर इसे 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैम एंड ली। बात की जाए डेडपुल 3 वुल्वेरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सेमेल्ले ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने। प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक। सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैन रिचोडो। एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड। म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस। प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स एंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी एंड मूवी को वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। टुडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपुल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपुल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपुल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिव्यू रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपुल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपुल 2 तक आ गई थी जहां पर
इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग इस मूवी की तो IMDb पर इसे 3 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी। रोटेन टोमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल 3 वुल्वरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमन ली ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने। प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक। सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैन रिचर्डो। एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड। म्यूजिक दिए थे रैब सिमोंस। प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का 3रा पार्ट थी। इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग इस मूवी की तो IMDb पर इसे 3 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी। रोटेन टोमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल 3 वुल्वरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमन ली ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने। प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक। सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैन रिचर्डो। एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड। म्यूजिक दिए थे रैब सिमोंस। प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का
तीसरा पार्ट था, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की, तो IMDb पर इसे 3 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी। रोटन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल डी वुल्वरनी की, तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमन ली ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने। प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक। सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैन रिचर्डो। एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड। म्यूजिक दिए थे रैब सिमोंस। प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वाल्ट डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है क्योंकि मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वरनी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा हैंग जैकमैन और ईमेन क्रेनिया मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट था, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की, तो IMDb पर इसे
मॉरीन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नजर आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहां पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज़ हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लिविस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन क्रीनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहां पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वरनी यानी कि डेडपूल 3 वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज़ हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी,
जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वरनी यानी कि डेडपूल 3 जो कि एक एक्शन कॉमेडी वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी
लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का 3रा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहां पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लुइस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन कोरिनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का 3रा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहाँ पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, टूडे अबाउट टू मूवी रिव्यू डेडपूल इज वुल्वेरनी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेडपूल इज वुल्वेरनी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेडपूल इज वुल्वेरनी
मूवी की बात की जाए तो ये 2024 में रिलीज हुई थी, जिसकी लेंथ थी 2 घंटा 7 मिनट, जो कि एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जिसके लीड कास्ट में हमें रियान रोनाल्डो नज़र आए थे एंड लिविस उगामा, हैंग जैकमैन और ईमेन क्रीनिया, मोरिन ब्लेचर जैसे कई कास्ट नज़र आए थे। ये डेडपूल का तीसरा पार्ट थी, इससे पहले डेडपूल 2 तक आ गई थी, जहां पर इस मूवी को काफ़ी अच्छे पसंद किए थे ऑडियंस ने सभी पार्टों के। डेडपूल इज वुल्वरनी यानी कि डेडपूल 3, जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो कि बात की जाए रेटिंग की इस मूवी की तो IMDb से 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली थी एंड रोटेन टमेटो पर मूवी को 74% की रेटिंग मिली थी एंड गूगल यूजर ने इसे 95% लाइक किए थे। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे सैमन ली। बात की जाए डेडपूल थ्री वुल्वरनी की तो इस मूवी को स्क्रीन प्ले दिए थे सैमन ली ही ने एंड रिटेन किए थे रियान रोनाल्डो रेत रेसो ने। प्रोडक्शन किए थे केविन फ्लेक, सिनेटोग्राफी दिए थे ग्रैन रिचोडो, एडिटिंग किए थे मूवी को बात की जाए तो डैन जिमरोन सेन राइड, म्यूजिक दिए थे रेब सिमोंस, प्रोडक्शन कंपोज किए थे मार्बल स्टूडियो मैक्सिमम इफेक्ट 21 लैब्स इंटरटेनमेंट ने एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे वाल्ट डिज्नी मोशन पिक्चर ने। इसे रिलीज किया गया था 22 जुलाई को और इसके बाद 26 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा एक्शन से भरपूर थी, जो कि मार्वल्स पर बेस्ड थी एंड मूवी को रनिंग टाइम था 128 मिनट। कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट एंड लैंग्वेज थी इंग्लिश। इसकी बजट रखी गई थी 200 मिलियन। हालांकि मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी बजट जो है इससे नहीं आया है, क्योंकि मूवी 26 जुलाई को ही रिलीज हुआ था। सो दोस्तों काफ़ी शानदार मूवी है दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को आप देख सकते हैं।